उदाहरण 11, जब किसी बहुपद fx को x का वर्ग ऋण 4 से भाग दिया जाता है तब शेषफल 5x धन 6 होता है। यदि इसी बहुपद को x ऋण 2 से भाग दिया जाए तब शेषफल क्या होगा? हल, भाज्य बराबर fx है और भाजक भाजक x का वर्ग ऋण 4 व x ऋण 2 है। जब fx को x के वर्ग x का घात 2 ऋण 4 से भाग दिया जाता है तब शेषफल पांच एक्स धन 6 प्राप्त होता है इसे हम इस रूप से लिख सकते हैं, क्योंकि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल होता है। अब भाज्य हमारे पास fx है, तो fx बराबर भाजक के स्थान पर हम x का की घात 2 ऋण 4 ले लेंगे गुणित भागफल जो है हमारा हमने qx लिया है qx माना है धन शेषफल जो है हमारा 5x धन 6 है। यहाँ पर भाज्य fx बराबर भाजक x का घात 2 ऋण 4 और भागफल जो है हमने qx के रूप में माना है धन शेषफल 5x धन 6। अब हमें मालूम है कि भाज्य और भाजक हमें पता हो तब हम शेषफल प्राप्त प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। चूँकि fx का एक और भाज्य x ऋण 2 है अतः शेषफल प्रमेय से शेषफल बराबर f में 2 का मान हम रखेंगे। अब चूंकि fx बराबर x की घात 2 ऋण 4 है तो हम x के स्थान पर 2 रखेंगे, 2 की घात 2 ऋण 4 गुणित q की घात q x में x की जगह 2 रखेंगे धन 5x है तो x के स्थान पे 2 रखेंगे धन 6 बराबर 4 ऋण 4 गुणित q 2 धन 10 धन 6 बराबर 0 गुणित q 2 धन 16 बराबर जब हम 0 को q 2 से गुणा करेंगे तो 0 धन 16 तब हमें शेषफल बराबर 16 प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब fx को x ऋण 2 से भाग
दिया जाए, दिया जाएगा तो शेषफल 16 प्राप्त होगा। यह इस प्रश्न का हल है। सोचें और चर्चा करें। पहला, पिछले उदाहरण में दूसरे भाजक x ऋण 2 के स्थान पर x धन 2 होने पर भी क्या शेषफल ज्ञात किया जा सकता है? यदि हाँ तो शेषफल ज्ञात कीजिए। दूसरा, पिछले उदाहरण के दोनों भाजकों में क्या कोई खास संबंध दिखाई पड़ता है? साथियों की मदद से उस संबंध को पता करें। यदि दोनों भाजकों में कोई संबंध न हो तब भी क्या शेषफल ज्ञात किया जा सकता है? एक उदाहरण लेकर परिणाम जानने की कोशिश करें।